जय हिंद दोस्तों, डिफेंस ऑफिसर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है सक्सेस इज नॉट अ मिस्ट्री। सही सुना दोस्तों आप लोगों ने, सक्सेस इज नॉट अ मिस्ट्री। इस चीज को हम एक एग्जांपल के साथ समझने की कोशिश करेंगे। हर कोई इंसान सक्सेसफुल होना चाहता है और हर किसी की सक्सेस की डेफिनेशन भी अलग होती है। अगर मैं किसी एथलीट की बात करूं तो उसकी सक्सेस की डेफिनेशन कुछ और होगी। अगर मैं एक ऐसे इंसान की बात करूं जिसका वजन बहुत ज्यादा है तो उसके लिए सक्सेस की डेफिनेशन अलग होगी। सवाल यहां पर यह है कि सफलता मिलती कैसे है, लोग सक्सेसफुल होते कैसे हैं। तो इसका जो आंसर है वो हर किसी को पता होता है। आपको भी पता है कि अगर किसी का वजन ज्यादा है तो वो पतला कैसे हो सकता है, वो स्लिम कैसे हो सकता है, वो हेल्दी कैसे हो सकता है। इसका सिंपल सा आंसर ये है कि उसको एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है, उसको जंक फूड अवॉइड करना है, उसको ढेर सारा पानी पीना है और प्रॉपर रेस्ट लेना है। अगर किसी को पढ़ाई में सफलता पानी है तो उसको पता है कि मुझे अपने जो पढ़ाई के जो नंबर ऑफ आवर्स हैं वो बढ़ाने हैं, जिन सब्जेक्ट्स में मैं कमज़ोर हूँ मुझे उनमें और मेहनत करनी है। अगर कोई एंटरप्रेन्योर, कोई बिजनेसमैन, अगर किसी उसको सफल होना है तो उसको पता है कि उसको सेल्फ डेवलपमेंट में काम करना पड़ेगा, अपने प्रोडक्ट में और काम करना पड़ेगा और ज़्यादा उसको हार्डवर्क करना पड़ेगा। तो सिंपल सी बात यह है कि जो सक्सेस का जो फॉर्मूला है वो हर किसी को पता होता है। तो सवाल यहाँ पर ये उठता है कि जब सबको सक्सेस का फॉर्मूला पता है तो क्यों सबको सफलता नहीं मिलती। तो आइए हम ये जानते हैं। सबसे पहले विल पावर की कमी होना। मैं अपने हर वीडियोस में आप लोगों से कहता हूँ कि सबसे पहले आपको सफल क्यों होना है ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। क्यों सफल होना है, आपका वाई क्लियर होना चाहिए। मुझे ऑफिसर क्यों बनना है, उससे मेरी लाइफ में क्या चेंज आएगा, ये आपको पता होना चाहिए। मुझे हेल्दी क्यों होना है, मुझे फिट क्यों होना है, मुझे पतला क्यों होना है, वो वाई आपका क्लियर होना चाहिए। तो अगर आपको आपका वाई क्लियर है तो फिर अंदर से एक आग आएगी उसको करने की, ठीक है। तो वहीं से जो आपका विल पावर है वो डेवलप होगा, बोले कि नहीं मुझे पतला होना है, मुझे मैथमेटिक्स में स्ट्रांग होना है और मैं इसके लिए मेहनत करूंगा। तो जब आपका वो वाई क्लियर होगा कि मुझे पतला होना है इसलिए पतला होना है, अगर मुझे ऑफिसर बनना है तो इसलिए ऑफिसर बनना है, तो वो वहाँ से वो आग आएगी और मैं उस चीज़ को कर पाऊँगा, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर आप किसी सफल इंसान से मिलेंगे तो आप देखेंगे कि वो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोग नहीं होते हैं, वो सिंपल लोग होते हैं, वो एवरेज लोग होते हैं। तो वो ऐसा क्या करते हैं जिससे कि वो सफल हो जाते हैं, वो एक काम रोज करते हैं, ठीक है। अगर किसी को लगता है कि मुझे पढ़ाई करके मुझे सफलता हासिल होगी तो वो पढ़ाई रोज़ करते हैं, तो कंसिस्टेंसी होती है। अगर किसी को पतला होना है तो वो एक्सरसाइज रोज़ करेगा, वो हेल्दी फूड रोज़ खाएगा। तो इम्पॉर्टेंट है, एक आपका नंबर वन आपका वाई क्लियर होना चाहिए। जिस दिन आपका वाई क्लियर होगा तो वो विल पावर आएगी और फिर आपको उसको कंसिस्टेंटली उस पर काम करना है। तो ये तीन चीज़ें इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। फर्स्ट वाई, दूसरा आपका विल पावर, तीसरी आपकी कंसिस्टेंसी। और जब आप कोई भी काम रोज़ करते हैं तो आप उसमें मास्टर हो जाते हैं और आप उस काम में आपको सफलता मिलती है। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।